अस्सलामु अलैकुम कैंडिडेट्स, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट उमर जबार। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो कैंडिडेट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एसपीएससी रिटर्न टेस्ट रिज़ल्ट 2022 के लिए आ चुका है। तो आप इसका रिज़ल्ट ऑनलाइन किस तरह से चेक कर सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड है जो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका स्टेप बाई स्टेप मुकम्मल मेथड समझाने वाला हूँ। तो कहीं मत जाइए, वीडियो मुकम्मल देख लें। वीडियो देखने के बाद आपको भी आसानी हो जाएगी इसका रिज़ल्ट चेक करने में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। आप उस लिंक पर जैसे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाती है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी। तो जिसमें आने के बाद आप इसका कोई भी रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इसके जो भी चालान फॉर्म्स हैं, सिलेबस है इसका, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप इसके आंसर कीज और उसके बाद जो इसकी लेटेस्ट जॉब्स के एडवर्टाइजमेंट्स हैं 2022 में, वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद जो इसके रिटन टेस्ट के अलावा इंटरव्यू रिज़ल्ट आए हैं, वो भी आप यहाँ पे आने के बाद चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको एक अहम बात बताता चलूँ कि मैं आपको अपने चैनल रियल स्टडी पर रिज़ल्ट के बारे में, एडमिशन, मेरिट लिस्ट, स्कॉलरशिप, पास पेपर्स और उसके बाद जॉब्स के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स देता रहता हूँ। तो अगर आप इन फ्यूचर अपडेट रहना चाहते हैं तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको टाइम टू टाइम इन सारी अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे जो हम आपको वीडियो के थ्रू यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर देते रहते हैं। तो टाइम जाए के बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। वो दोस्तों, जैसे आप इस वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर आने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे सामने वीडियो में आप कंप्यूटर की स्क्रीन पर यहाँ पे लेटेस्ट जॉब एडवर्टाइजमेंट, वेलकम टू सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके बाद आपको रिसेंट अनाउंसमेंट्स मिल जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं 11 मार्च 2022 प्रेस रिलीज, उसके बाद मार्च 11 2022 रिटन टेस्ट रिजल्ट अनाउंस बीपीएस 17, और उसके बाद 11 तारीख के काफ़ी सारे रिजल्ट्स हैं। तो आप यहाँ से इसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट अगर चेक करना चाहें तो जो भी आप यहां से रिज़ल्ट चेक करना चाहेंगे आप उसे न्यू टाइम में ओपन कर लेंगे। तो जो भी इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, ये बीपीएस 17 में फीमेल्स है, और उसके बाद लेक्चरर मुस्लिम हिस्ट्री बीपीएस 17 मेल, उसमें आपको कोटा है जो, उसमें भी काफ़ी सारे इसमें सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं। तो आपका जो भी रोल नंबर होगा आप यहाँ पे आने के बाद देख लेंगे कि आपका लिस्ट में रोल नंबर आ चुका है या नहीं। और उसके बाद अगर आप लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल राइट हैंड साइड में टॉप पर एक बटन मिल जाता है। तो जैसे हम इस पे माउस का कर्सर लेके आते हैं तो इस पे डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, तो आप वीडियो में भी वाजह तौर पर देख सकते हैं। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इसकी वेब PDF फाइल भी डाउनलोड हो जाती है। तो इसी तरह से आपने इसको न्यू टाइम में ओपन कर लेना है। और उसके बाद अब हम चेक करते हैं इसका इंटरव्यू का रिज़ल्ट। तो सिविल इंजीनियर का है इसका, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव सिविल इंजीनियर। तो इसमें भी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर, नेम और फादर नेम, और उसके बाद कोटा है जो उनका, वो भी बता दिया गया। और इशू डेट भी आप दे सकते हैं यहाँ पर, 11 मार्च 2022 है। तो इसको भी डाउनलोड करने का सेम मेथड है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आज की वीडियो देखने के बाद आपको फिर भी कोई इशू आ रहा है इसका रिज़ल्ट चेक करने में, मेरा लिस्ट डाउनलोड करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके कमेंट का रिस्पॉन्ड जल्दी करूँगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप तक पहुंच सके और आप भी इस वीडियो से इन्फॉर्मेशन अपडेट हासिल कर सकें। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।